में से जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं या फिर जो यूट्यूब ऑप्टिमाइजेशन पर काम कर रहे हैं वो एक बात से बिल्कुल एग्री करेंगे कि एक बड़े चैनल को अगर आपको ग्रो करना है तो इसके कंपैरिजन में एक बिल्कुल स्क्रैच से चैनल बना के और उसको ग्रो करने में ज्यादा मेहनत लगती है तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्मॉल यूट्यूबर्स की यानी अगर आप एक चैनल आपने जस्ट शुरू किया है यानी आपके अगर 100 सब्सक्राइबर्स भी नहीं है या फिर 100 सब्सक्राइबर्स से थोड़े से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं या फिर आपने अभी तक चैनल शुरू ही नहीं किया है अगर आप हैं एक स्मॉल यूट्यूबर तो क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है और जिससे आप अपने चैनल को ग्रो कर पाएंगे एक लेवल तक और यहां पर मैं लेट से एक छोटा टारगेट लेती हूँ दैट इज मॉनीटाइजेशन तक क्योंकि मोनिटाइजेशन हमारा सोल टारगेट नहीं होना चाहिए लेकिन हम एक बेबी स्टेप की तरह बात करें, तो बेबी स्टेप जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा बी मोनेटाइजेशन तक। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आप एक बिल्कुल स्क्रैच से चैनल स्टार्ट किया है और उसको मोनेटाइजेशन तक कैसे आप लेकर जाएंगे एक स्मॉल यूट्यूबर अगर आप हैं तो कैसे अपने चैनल को ग्रो करेंगे सो गाइज आई होप यू आर एंजॉइंग द वीडियो लेकिन इससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की इस डायनेमिक फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं या अपने करियर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें डब्ल्यू एस क्यूबेक का ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रैक्टिकल डिजिटल मार्केटिंग एडवांस्ड बैच इन बैचेस में आप सीखेंगे प्रोफेशनल प्रैक्टिकल एंड एडवांस डिजिटल मार्केटिंग अ वैलिड सर्टिफिकेशन जो कि ऑल ओवर इंडिया में वैलिड है इन बैचेस में आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस विथ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स इसी के साथ साथ काफी सारे पेड टूल्स का एक्सेस भी आपकी क्लासेस की रिकॉर्डिंग उसी के साथ डाउट सेशंस एंड मेनी मोर थिंग्स तो अगर आप ये बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा जल्दी से फॉर्म फिल कीजिए और हमारी टीम आपसे बहुत ही जल्दी कनेक्ट करेगी चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं हेलो एवरीवन आई वेलकम यू ऑल ऑन चैनल तो आज की ये वीडियो स्पेसिफिकली है उन लोगों के लिए जिन्होंने रिसेंटली अपना चैनल चालू किया है या फिर जो कि चैनल स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है तो फर्स्ट थिंग जो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है वो है अपना निश निश का मतलब होता है वो कैटेगरी वो टॉपिक जिसके इर्द गिर्द आप अपना कॉन्टेंट बनाने वाले हैं तो अब यहां पर आपको एक चीज समझनी होगी निश से रिलेटेड कि देखिए एक तो होता है हमारा ब्रॉड निश या फिर जिसको मैं बोलूंगी ब्रॉड कैटेगरी और एक होता है हमारा माइक्रो निश यानी एक वेरी स्मॉल कैटेगरी जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाना चाहते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग ये आपकी एक ब्रॉड कैटेगरी हो गई ठीक है और उसी के साथ ही जैसे आई ट्रेनिंग हो गया तो ये एक ब्रॉड कैटेगरी हो गई लेकिन अगर मैं स्मॉल कैटेगरी की बात करूं तो जैसे एस एस एक स्मॉल कैटेगरी हो गई इससे

कंपटीशन से फाइट करना हमारा सबसे बड़ा टास्क है ऑडियंस तो बढ़ी रही है व्यूअर्स तो बढ़ी रहे हैं लेकिन क्रिएटर्स भी उससे ज्यादा बढ़ रहे हैं तो हमेशा एक माइक्रो कैटेगरी पकड़ो माइक्रोनिश पकड़ो एंड देन यू कैन मूव फॉरवर्ड स्टेप बाय स्टेप मूव करना है तो चलिए अब बात करते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट की जो कि एक स्मॉल यूट्यूबर को ध्यान में रखनी चाहिए और वो है कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी की देखिए हम बहुत बार बात कर चुके हैं एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड की कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है लेकिन जब आपका एक चैनल शुरू होता है तो YouTube आपका चैनल क्यों पुश करेगा जब आप ही के निश में हजारों लोग जो हैं कंटेंट बना रहे हैं वो आपका तब कंटेंट पुश करेगा YouTube जब YouTube जब को आपके चैनल पर ट्रस्ट होगा एंड YouTube को अगर आपके चैनल पर ट्रस्ट दिलाना है तो उसके लिए आपको कंटिन्यूसली क्वालिटी कॉन्टेंट डालना पड़ेगा और एक यूजर भी आपके चैनल से तब जुड़ा हुआ रहेगा जब वो देखेगा कि हाँ यार रेगुलर अपडेट जो है इस चैनल पर आ रही है तो जब भी आप अपने चैनल को एक्सपेक्ट

एवरी वीक कम से कम पचास वीक्स तक मेरी जो है वीडियो जाएंगी और इसमें बिल्कुल भी आप जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे हमेशा कंटेंट प्लान करके चलोगे तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि चैनल तभी बनाओ जब आपका कम से कम दो तीन वीडियोस का कंटेंट जो है रेडी हो तो ऐसा नहीं कि चैनल शुरू कर देते हैं चलिए देखा जाएगा वीडियोस बनाएंगे कभी बनाएंगे कभी नहीं बनाएंगे तो ये चीज आपको नहीं करनी है उसी के साथ ही स्मॉल यूट्यूबर्स को ये चीज सबसे ज्यादा रिकमेंड की जाती है कि आप अपने चैनल का प्रॉपर एस करो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है प्रॉपर कैटेगराइजेशन आपको अपने चैनल का करना है वीडियोज के टाइटल टैग्स मेटा डिस्क्रिप्शन वो आपके प्रॉपर होने चाहिए उससे पहले आप उनके लिए कीवर्ड रिसर्च कीजिए जिससे ऐसे कीवर्ड्स निकालिए जिन पर कंपटीशन कम हो कंटेंट गैप ज्यादा हो ऐसे कीवर्ड्स आपको निकालने हैं और वो आपको अपने टैग्स में यूज करने हैं अब यहां पर भी एक चीज जैसे बहुत सारे लोग करते हैं कि का क्लाउड बना देते हैं जो कि बहुत ही गलत अप्रोच है ऐसा हमें नहीं करना है क्योंकि गूगल साफ साफ ये कहता है कि अगर आपने ऐसा किया स्पैम किया अगर आपने कीवर्ड से तो आपकी वीडियो को हम डाउन रैंक कर देंगे ठीक है या फिर कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट भी उस वीडियो को माना जाएगा तो इसीलिए प्रॉपर एस करना है लेकिन यहाँ पर स्पैम नहीं करना है क्योंकि फर्स्ट जब आपका न्यू चैनल होगा तो यूट्यूब कहीं ना कहीं आपको ऑब्जर्व करेगा कि क्या ये चैनल ग्रो करने के लायक है या फिर नहीं उसी के साथ ही काम कीजिए अपने सीटीआर पर यानी क्लिक थ्रू रेट पर देखिए YouTube एक बार तो आपकी वीडियोस पुश करेगा फिर वो देखेगा नोटिस करेगा कि लोगों का रिस्पांस कैसा आ रहा है तो अगर मान लो किसी पर्सन तक आपकी वीडियो पहुंच रही है और उस पर क्लिक ही नहीं कर रहा है तो यूट्यूब को ये लगेगा कि कॉन्टेंट में दम नहीं है टॉपिक में लोग इंटरेस्टेड नहीं है तो इसीलिए आपको अपने पे काम करना है ऐसे बनाने हैं जिसको देख ही एक पर्सन क्लिक करना चाहे बेट यूज करना है लेकिन नेगेटिव तरीके से नहीं हमेशा पॉजिटिव क्लिक बेट आपको यूज करने हैं कोई भी ऐसा क्लिक बेट ना हो जो कि मिसगाइड करे ऑडियंस uh, को और थंबनेल्स आपके अच्छे होंगे तो क्लिक थ्रू रेट जो है आपकी वो इंप्रूव होगी उसी के साथ ही वीडियोस को ऑप्टिमाइज करने के साथ साथ प्लेलिस्ट को भी आपको जरूर ऑप्टिमाइज करना है ये ऐसा एक फैक्टर है जिसको लोग कई लोग स्किप कर देते हैं प्रॉपर प्लेलिस्ट के अंदर आपकी वीडियो जानी चाहिए और उन प्लेलिस्ट का भी टाइटल उन प्लेलिस्ट का थंबनेल उन प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन भी प्रॉपर होना चाहिए तो इस चीज पर भी आपको ध्यान देना है सो so ये थी कुछ हमारी टिप्स एंड ट्रेक जो कि एक स्मॉल यूट्यूबर को ध्यान रखनी चाहिए इसके अलावा क्वालिटी कॉन्टेंट एंड मस्ट अगर आपका कॉन्टेंट में क्वालिटी नहीं है कुछ यूनिकनेस नहीं है आप भी वही कर रहे हो जो पचास और क्रिएटर्स कर रहे हैं बेकार ऑडियो है बेकार वीडियो क्वालिटी है तो चाहे कुछ भी हो जाए आपका चैनल ज्यादा टाइम तक ग्रो नहीं कर पाएगा ठीक है और उसी के साथ ही स्पैम का ध्यान रखना है फेक सब्सक्राइबर्स फेक व्यूज नहीं खरीदने क्योंकि ये यूट्यूब की एलग्रिदम के लिए एक कह सकते हो बेन है यानी जहर है तो प्लीज ये चीजें आप ना कीजिए नहीं तो आपके चैनल से हाथ धो बैठोगे एंड फिर मुझे मत कहना ठीक है so, सो इसके अलावा अगर आपकी कोई और क्वेरी है कोई और टॉपिक पर वीडियोज आप चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें कॉमेंट करके बताइए एंड साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक कीप लर्निंग